नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विक्रम और स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल लर्न टेक्निकल में। फिर से लेके आऊँ दोस्तों एक नई जॉब की इन्फॉर्मेशन। नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट की तरफ से नोटिफिकेशन नोटिस जो है वो जारी करा गया है। पोस्ट ऑफ ऑफिसर असिस्टेंट मैनेजर की दोस्तों ये जॉब है, ग्रेड ए में रहने वाली है। सभी भारतीय इसमें आवेदन कर सकते हैं। 10 मई से आवेदन शुरू हो चुके हैं, 26 मई तक चलेंगे। इसी के बीच में आपको आवेदन करना है, ऑनलाइन मोड से आवेदन करना है। कैसे करना है वीडियो के लास्ट में मैं आपको बताऊंगा, तो शुरू से लेकर लास्ट तक वीडियो को ध्यान से देखिएगा। तो चलिए दोस्तों देखते हैं नोटिफिकेशन में क्या क्या जो है वो लिखा गया है। सबसे पहले इंपॉर्टेंट डेट्स, जैसा कि मैंने आपको पहले बता दिया, 10/5 से आवेदन शुरू है, 26 मई तक जो है वो चलने वाले हैं। आपके एग्जाम जो होंगे दो फेज होंगे। पहले फेज का एग्जाम जो है आपका 15 या 16 जून को जो है वो होने वाला है। उसके बाद बात करते हैं टोटल नंबर ऑफ पोस्ट की, तो 79 टोटल नंबर ऑफ पोस्ट हैं जो कि कैटेगरी वाइज बटी हुई है। ये डिसिप्लिन है जिनके लिए आवेदन आपको करना है। बाकी अगर आपने किसी भी स्ट्रीम में ग्रेजुएशन करी हुई है तो यहाँ पे आपको जो है वैकेंसी मिल जाएगी। बात करते हैं दोस्तों कि एक पोस्ट के लिए जो है वो कितने लोग, यानी कि एक पोस्ट के लिए एक बंदा ही आवेदन कर सकता है, यानी कि आप दो पोस्ट के लिए आवेदन नहीं कर सकते, ये मेरा कहने का मतलब है। तो यहाँ पे दोस्तों बात करते हैं कि किस किस पोस्ट के लिए क्या क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो है वो मांगा गया है। अगर आप जनरल के लिए आवेदन कर रहे हैं तो बैचलर डिग्री किसी भी स्ट्रीम में आपने करी हुई है 50% मार्क्स के साथ, तो आप आवेदन कर सकते हैं। अगर ये नहीं है तो चार्टर्ड अकाउंटेंट है तो आवेदन कर सकते हैं, या 2 साल का आपने पीजी डिप्लोमा करा हुआ है मैनेजमेंट में या एमबीए करा हुआ है तो भी आप आवेदन कर सकते हैं। एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरी टेक्नोलॉजी में अगर बैचलर डिग्री करी हुई है एनिमल हस्बेंड्री में, डेयरी टेक्नोलॉजी में, तो आवेदन कर सकते हैं। उसके बाद बात करते हैं इकोनॉमिक्स एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स के लिए, बैचलर डिग्री करी हुई इकोनॉमिक्स में एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स में 50% मार्क्स के साथ आवेदन कर सकते हैं। फिर इन्वायरमेंटल के लिए अगर इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग करी हुई है, इन्वायरमेंटल साइंस में जो है बैचलर डिग्री करी हुई है, तो आप आवेदन कर सकते हैं। फिर फूड प्रोसेसिंग का आ गया, इसमें फूड टेक्नोलॉजी से रिलेटेड अगर आपने कुछ करा हुआ है आवेदन कर सकते हैं। फिर फाइनेंस के लिए बीबीए वालों के लिए रिक्रूटमेंट आ गई, अगर बैचलर जो है फाइनेंस इन्वेस्टमेंट का आपने कुछ करा हुआ है तो आवेदन कर सकते हैं। फॉरेस्ट्री में जो है बैचलर डिग्री है आपके पास तो आवेदन कर सकते हैं, यानी कि अगर आपने किसी भी स्ट्रीम में ग्रेजुएशन डिग्री करी हुई है तो यहाँ पर आपको वैकेंसी मिल जाएगी। बात करते हैं एज की, तो दोस्तों एज जो है आपकी इससे 21 से लेकर 30 साल के बीच में होनी चाहिए, इससे ज़्यादा या कम जो है वो नहीं होनी चाहिए। बाकी दोस्तों एग्जाम की बात करते हैं, जो पहले फेज का एग्जाम होगा उसमें रीजनिंग लैंग्वेज, इंग्लिश लैंग्वेज, कंप्यूटर नॉलेज, जनरल अवेयरनेस और क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड जो है आपका आने वाला है। ये दोस्तों एड्रेस है सेंटर्स के, यानी कि आपकी अपनी स्टेट में ही जो है इसका एग्जाम होने वाला है। सेंटर्स की डिटेल भी आपको इस नोटिफिकेशन में मिल जाएगी। सारे इंपॉर्टेंट लिंक्स आपको जो है वो डिस्क्रिप्शन में मैं दे दूंगा। जैसे टाइटल पे क्लिक करेंगे तो नीचे डिस्क्रिप्शन खुल जाती है, वहां पे जाके आप जो है ये लिंक देख सकते हैं। बात करते हैं एप्लीकेशन फीस की, तो दोस्तों एससी एसटी और पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट यानी कि पर्सनल विद डिसेबिलिटी के लिए किसी भी तरह की फीस नहीं रखी गई है, लेकिन इंटीमेशन चार्जेस जो है वो 150 रुपये आपके जरूर कटेंगे और आपकी टोटल फीस हो जाएगी 150 रुपये, यानी कि 150 रुपीज। और अगर आप जनरल रिजर्व से आते हैं या ओबीसी से आते हैं तो 650 रुपये फीस है, 150 रुपये ऐड हो जाएंगे उसमें और 800 रुपये की फीस आपको पड़ेगी। हालांकि ये थोड़ी ज़्यादा है लेकिन क्या कर सकते हैं। तो यहाँ पे दोस्तों उसके बाद बात करते हैं सैलरी की, तो 28,000 आपकी बेसिक पे है और जब आप अलाउंस सारे डालेंगे तो आपकी सैलरी जो है वो 60,000 के आसपास जो है वो हो जाएगी। तो बस दोस्तों यही सब कुछ लिखा गया है नोटिफिकेशन में। तो अब मैं ले चलता हूँ आपको उनकी ऑफिशियल वेबसाइट पर, बता देता हूँ कहाँ पे जाके आपको इसके लिए कैसे जो है आवेदन करना है। दोस्तों ऑनलाइन अप्लाई करने के लिए आपको इस लिंक पे आना है, लिंक दूंगा मैं ठीक नीचे डिस्क्रिप्शन में, वहां पे क्लिक करेंगे सीधे इस पेज पे आ जाएंगे। यहाँ पे आके डिटेल आप चेक कर सकते हैं। डिटेल चेक करने के बाद आपको ऊपर जो है येलो कलर का बटन सा दिख रहा है, क्लिक हियर फॉर न्यू रजिस्ट्रेशन, आपको सिंपली इसके ऊपर जो है वो क्लिक कर देना है। जैसे क्लिक करेंगे फॉर्म फिल करना आपको शुरू कर देना है, इसको आप जो है वो कंटिन्यू कर लीजिएगा। ये सारा फॉर्म फिल कीजिएगा और ये सारी सेक्शन जो है इनको कंप्लीट करके या पेमेंट करके आपको जो है यहाँ पे सबमिट की ऑप्शन आएगी, आपको सबमिट कर देना है। जैसे दोस्तों सबमिट कर देंगे आपकी एप्लीकेशन सबमिट हो जाएगी और उसके बाद जो है आप इसके लिए जो है वो जा सकते हैं टेस्ट देने के लिए। कॉल लेटर जैसे ही आएगी मैं आपको जो है कम्युनिटी टैब में बता दूंगा, बाकी वेबसाइट भी चेक कर सकते हैं ज़्यादा जानकारी के लिए। सो ऐसे दोस्तों आप अप्लाई कर सकते हैं इस नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट में जॉब के लिए। सो थैंक यू वेरी मच दोस्तों इस वीडियो को देखने के लिए। अगर वीडियो से रिलेटेड कुछ आपके क्वेश्चंस हैं तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।